अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद लकमान। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं केटीएस वसे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध पर, जहाँ कुछ दिन पहले ये कहा गया कि हुकूमत की तरफ से दरिया सिंध में 9 लाख क्यूसेक का रेला आ रहा है, लेकिन हुकूमत की ये कहने की वजह ये थी कि आवाम जो है ना, अपना ये जो देहात वाली आवाम है, वो यहाँ से अपना साजो सामान है जो वो लेकर किसी महफूज मकान पर चले जाएँ। लेकिन ये जो वैसे ही दरिया सिंध में 5 लाख 4 लाख क्यूसे का रेला वैसे गुजर रहा है, रूटीन से वैसे रोज़ाना गुजर रहा है, कोई इसकी परेशानी नहीं है। मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ कि दरिया सिंध का पानी इतना नीचे है कि कोई ख़तरा नहीं है, ना ही कोई टेंशन है। जो देहात शहरी हैं, जो देहात वाले हैं, जो अपना जो नकम मकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपना साजो सामान लेकर, कीमती साजो सामान है वो लेकर दो हिफाजती मकानात पर जा रहे हैं ताकि वो इसी जो सिलाबी रेले से बच सकें। इसके ऊपर वाले साइड है जो जो तौसा शरीफ हो गया, उस तरफ जो बहुत सारे नुकसान हुए दरिया सिंध की वजह से, जो पानी आया वहाँ पर सैलाब है, उनको ज़्यादा ख़तरा था कि उन्होंने अपने जो नकम करने के लिए जो हमारा शहर ज़िला लिया हो गया, उसके शहर कोट ज़िला लिया हो गया, कोट सुल्तान हो गया, जमन शाह हो गया, सानपुर हो गया, पहाड़पुर हो गया, इनको कोई नुकसान नहीं होंगे इनके, ना इनको कोई डरना चाहिए, ना कि पानी का ख़तरा है। बिलावजह जो इनको डरा रहे हैं कि पानी का बहुत ज़्यादा रेला आ रहा है, कोई रेला नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपके सामने जो पानी गुजर रहा है वैसे ये रूटीन से 5 लाख का रेला रोज़ाना ही यहाँ से गुजर रहा है, इसका कोई ख़तरा नहीं है। दरिया जो हेड है ना, हेड के वो उसके डैम जो हेड के दरवाजे हैं वो खोल दिए गए, कोई टेंशन लेने की जरूरत। बकरी वाले बन में, बन पे जहाँ बकरी वाला बन था, वहाँ जो सिपर था वहाँ सिपर पर मौजूद हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे पानी का रेला तो बहुत ज़्यादा तेज़ से गुजर रहा है, लेकिन कोई ख़तरे की बात नहीं है, नहीं टेंशन लेनी चाहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कोई पानी का ख़तरा नहीं है बिल्कुल। ये सवाम जो ना ये सब झूठ बोल रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि पानी का ख़तरा है, पानी का ख़तरा है, कोई पानी का ख़तरा नहीं है। इस वक्त मैं सिपर पर मौजूद हूँ, पानी का लेवल बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, देख लें आप। पानी पर दिखाएँगे जा रहे हैं आगे, कुछ हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ उम्र हम जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे आपको और भी सिपर दिखाएंगे कि पानी का ख़तरा है या नहीं। बकरी वाला सिपर तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, कोई ख़तरा नहीं है यहाँ। और जो हो गया बेट गुज्जे वाला सिपर, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, शाह वाला जो है ऊपर वाला सिपर है शाह वाला, वो भी आप लोगों को हम दिखाएँगे कि वहाँ पानी का ख़तरा है या कि नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने। कुछ दिन पहले हम भी यहाँ आए थे, पानी के लेवल वैसे भी थोड़ा सा अप हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ज़्यादा इतना पानी का लेवल नहीं है आप हुआ है, कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई ख़तरा नहीं पानी का। ये देखे सामने मेरे पीछे कितना तेज़ पानी जा रहा है, पानी तो बहुत तेज़ जा रहा है, मगर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा शिकावट है, बहुत ज़्यादा शोर है पानी की वजह से, आवाज़ की जो साउंड है उसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम वीडियो तो में थोड़ा सा मुश्किल तो आ रही है, लेकिन आप लोग हम क्लियर क्लियर ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई ख़तरा नहीं है।